नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा समेत अन्य नेताओं ने 2001 के संसद हमले में पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम समेत कई स्थानों पर की छापेमारी। बताया जा रहा है कि आतंक से संबंधित एक मामले की जांच के चलते ये कार्रवाई की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को उनकी जन्म जयंती पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। घाटी में आज पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार, अगले सप्ताह से मैदानी इलाकों में होगी ठंड। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में पास, अब राज्यसभा में किया जाएगा पेश। सिख समुदाय की शादियों का रजिस्ट्रेशन अब होगा आनंद मैरिज एक्ट के तहत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आनंद मैरिज एक्ट 1909 की धारा 6 के तहत दी मंजूरी। सीबीएसई ने मंगलवार को 15 फरवरी से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा। उत्तरी कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, कई घातक हथियार किए गए बरामद, एक महिला भी हुई गिरफ्तार। माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी सुविधा, अब भैरव घाटी के लिए ऑनलाइन मिलेगी टिकट। भारत में पहली बार होगी T10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, अक्षय कुमार बने श्रीनगर टीम के मालिक। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।